महामंत्री लगातार अपना अपना चार संभालते हुए नजर आ रहे हैं। इस बीच शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया की तस्वीर इस वक्त आपके सामने है। शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया भी अपना अपना चार्ज संभालते हुए नजर आ रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास में संचार, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास, जो कि तस्वीरों में आप देख रहे हैं, अपना चार्ज वो संभालते हुए नजर आ रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान के पास में कृषि, किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्रालय है। और यहाँ देखिए पूरे पूजा पाठ के साथ ही अपनी कुर्सी ग्रहण करते हुए शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी इस वक्त आप देख रहे हैं। पिछली बार नागरिक उड्डयन मंत्रालय उनके पास में था, लेकिन इस बार कैबिनेट में है, लेकिन मंत्रालय उनका बदला है। संचार, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास इस बार उनके पास में है। तो ये तस्वीरें लगातार इस वक्त आप देख रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया इस बार रिपीट हुए हैं। शिवराज सिंह चौहान इससे पहले मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री रहे। चुनाव में जीत के बाद मुख्यमंत्री का पद नहीं मिला, लेकिन इस बार केंद्र की राजनीति में अब उनकी एंट्री हो चुकी है। ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो कि पिछली बार नागरिक उड्डयन मंत्री थे, गुना सीट से चुनाव जीते और 2020 में ही वो आए थे बीजेपी में, और उसके बाद से लगातार एनडीए की सरकार में मंत्री रहे। एक बार फिर से मोदी सरकार 3.0 में भी वो मंत्री हैं। इससे पहले एक बार जरा शिवराज सिंह चौहान की तस्वीर देख लेते हैं। शिवराज सिंह चौहान लगातार पूरे पूजा पाठ और मंत्रोच्चारण के साथ में अपना पदभार ग्रहण करते हुए, और ये तस्वीरें अपने आप में बहुत ही खास भी हैं। देखिए तो ये लगातार तस्वीर इस वक्त आपके सामने है। शिवराज सिंह चौहान जो कि इस वक्त पूरे मंत्रोच्चारण के साथ पूजा में लीन नजर आ रहे हैं। चार संभालने से पहले पूजा पाठ करते हुए नजर आ रहे हैं। इस बीच भागीरथ चौधरी भी उनके साथ में नजर आ रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान भारी मतों से विदिशा चुनाव जीते। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री 8 लाख वोटों से जीत हासिल की। 4 बार सीएम रह चुके हैं। 2023 विधानसभा चुनाव में पार्टी को जीत दिलाई, लेकिन सीएम नहीं बन पाए। लेकिन इस बार केंद्र की राजनीति में एंट्री हो चुकी है। फिलहाल पूजा पाठ करते हुए नजर आ रहे हैं। कृषि, किसान कल्याण, ग्रामीण विकास उनके पास। एक तस्वीर और इस वक्त आपके सामने।